जरा सोचो, तुम छुट्टी मनाने अपने दोस्तों के साथ जंगलों के बीच एक घर में जाओ, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो कि वहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ गैरी और स्टीव नाम के दो साइंटिस्ट एक रहस्यमय मिशन पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर पांच जवान लड़के लड़कियां जंगल में घूमने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सी वैन में सारा सामान भरा और जंगल में मौजूद एक कैबिन में कुछ दिन गुजारने के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही घर की छत से एक जासूस ने अपने बॉस को फोन पर बताया कि वो कैबिन के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद गैरी और स्टीव ने कंट्रोल रूम में अपने कंप्यूटर्स चालू किए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन वो एकदम सुनसान पड़ा था। अचानक से पंप के मालिक मॉर्डिकाई ने आकर उन्हें डरा दिया। बाद में उसने जूल्स के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उस पर झपटने ही वाला था, लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करके तुरंत वहां से चले गए। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ों के बीच एक सुरंग आ गई। कैबिन तक पहुंचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वैन सुरंग से गुजरी, हम देखते हैं कि एक पक्षी बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। कुछ देर बाद वो कैबिन तक पहुंच गए। फिर होल्डन को अपने कमरे में एक बेहद अजीब पेंटिंग दिखी, इसीलिए उसने उसे उतार दिया, लेकिन उसके पीछे एक शीशा था जिससे डैना का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। डैना को कपड़े बदलते देख उसने तुरंत आवाज देकर उसे रोक दिया और सबको बुलाकर ये शीशा दिखाया। थोड़े हंसी मजाक के बाद होल्डन ने अपना कमरा डैना को दे दिया। गजब ही शरीफ लौंडा नहीं है। डैना ने वो पेंटिंग एक बार फिर वहीं लगा दी और उसे एक चादर से ढक दिया। उधर लैब में कैबिन की हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सच तो ये था कि कैबिन से लेकर आसपास के पूरे जंगल का इलाका उनके कंट्रोल में था। तभी मॉर्डिकाई ने उन्हें कॉल करके खबर दी कि उन दोस्तों का ग्रुप कैबिन में पहुंच गया होगा। इसके बाद लैब में सट्टे लगने शुरू हो गए कि आखिर इन दोस्तों को कौन सा वैशी जानवर मौत के घाट उतारेगा। ये चल क्या रहा है? पता चला कि उन सबको एक खुफिया कमरे में पहुंचाया जाएगा, जहां वो अपनी मौत का जरिया खुद चुनेंगे। जब रात हुई तो सारे दोस्त ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। अचानक उनके पीछे जमीन से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके पीछे भी उन लैब वालों का ही हाथ था। फिर डैना को इस दरवाजे के नीचे खुफिया कमरे में जाने का डेयर मिला। जब वो नीचे गई तो उसका सामना हजारों अजीबोगरीब चीजों से हुआ। अचानक एक लड़की की तस्वीर देखकर डैना चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब नीचे आ गए और मार्टी के लैंप से उन्हें और वो गरीब सामान दिखाई दिया। मार्टी को किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और वहीं डैना के हाथ एक पुरानी डायरी लग गई। वो एना नाम की लड़की की डायरी थी, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे उसके बाप ने उन पर अत्याचार करके उसके पूरे परिवार को मार डाला और एना का हाथ भी काट दिया। अगले कागज पर कुछ लिखा था और मार्टी ने डैना को पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन डैना नहीं मानी और उसके कागज पढ़ते ही जंगल में एना के परिवार की सारी लाशें ज़ॉम्बीज के रूप में जिंदा हो गई। ये लड़कियां किसी की बात मान क्यों नहीं सकती? करा लिए ज़ॉम्बी जिंदा। उधर लैब में जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज पर सट्टा लगाया था, वो खुशी से नाचने लगे। फिर एक स्क्रीन पर जापान का मिशन दिखाया गया, जहां एक स्कूल में कुछ लड़कियां चुड़ैल का सामना कर रही थी। उधर कैबिन में सब ऊपर आ गए और कुछ देर बाद कर्ट और जूल्स अकेले कुछ वक्त बिताने के लिए जंगल में चले गए। कर्ट जूल्स को अपने साथ रात गुजारने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मना कर रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ये देखकर लैब के कुछ लोग निराश हो गए, इसलिए उन्होंने जमीन से केमिकल छोड़ा, जिससे जूल्स का मन बदल गया। फिर अचानक कहीं से एक ज़ॉम्बी निकला और उसने जूल्स के हाथ पर वार कर दिया। जूल्स भाग कर कर्ट के पास गई, लेकिन ज़ॉम्बी ने कर्ट के कंधे पर भी चाकू घोंप दिया। अब कर्ट ने उसे धक्का देकर अपने कंधे से चाकू निकाला, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर पटक दिया और जूल्स को पकड़कर ले गया। कर्ट ने अपनी आंखों के सामने जूल्स के टुकड़े टुकड़े होते देखे। फिर लैब में स्टीव ने एक लीवर खींचा, जिससे जूल्स का खून बहकर एक रेत की तस्वीर में भरने लगा। उधर कैबिन में मार्टी को फिर से किसी की आवाज सुनाई दी और वो बाहर टहलने निकल गया। फिर वो हल्का होने के लिए रुका तो उसने देखा कि आसमान में एक भी तारा नहीं था। अचानक उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी कर्ट ने आकर ज़ॉम्बी को धक्का दे दिया और मार्टी को भगाकर कैबिन में ले आया। फिर कर्ट ने बाकी सबको बताया कि जूल्स की मौत हो गई है और अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद मार्टी के मना करने के बावजूद भी डैना ने दरवाजा खोल दिया, जहाँ एक ज़ॉम्बी उन्हें मारने को तैयार खड़ा था। ये इस लड़की की क्या बीमारी है, बात क्यों नहीं मान रही है? ज़ॉम्बी ने जूल्स का कटा हुआ सर डैना के हाथों में फेंका, जिससे वो बुरी तरह डर गई। तभी कर्ट और होल्डन ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। कर्ट ने कहा कि उन्हें सुरक्षा के लिए कैबिन के हर खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह बंद करना होगा। ये सुनकर लैब के लोग
घबरा गए, इसीलिए उन्होंने कैबिन में एक ऐसी गैस छोड़ी जिससे कर्ट का मन बदल गया। उसने सबको दूर दूर फैल जाने को कहा। जब सभी अपने अपने कमरे में चले गए तो लैब वालों ने उनके दरवाजे लॉक कर दिए। जब मार्टी अपने कमरे की खिड़की बंद करने गया तो अचानक उससे एक लैंप टूट गया, जहां उसे एक छिपा हुआ कैमरा दिखाई दिया। मार्टी को शक हुआ कि कहीं कोई उन पर नजर रखकर उन्हें फंसा तो नहीं रहा, और उसी वक्त एक ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर उसे बाहर पटक दिया। फिर उनमें हाथापाई होने लगी, लेकिन ज़ॉम्बी मार्टी को चाकू घोंप कर उसे जंगल की ओर ले गया। इसके बाद लैब में फिर से किसी ने लिवर खींचा, जहां मार्टी का खून भी रेत की तस्वीर में भरने लगा। उधर कैबिन में जमीन थरथराने लगी और एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर डीना तक पहुंच गया। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, अब क्यों चिल्ला रही है, और खोल ले दरवाजा, पढ़ ले डायरी, बात तो माननी नहीं होती, इसको तो सबसे पहले मारना चाहिए था। फिर होल्डन ने उन दोनों के कमरे के बीच लगे शीशे को तोड़कर डेना को अपने कमरे में खींच लिया। वहाँ एक और ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आ रहा था कि अचानक डेना की नजर जमीन में एक और खुफिया कमरे पर पड़ी। होल्डन और डेना तुरंत वहाँ घुस गए, जहाँ उन्हें काफी खतरनाक और रहस्यमय चीजें दिखाई दी। डेना समझ गई कि शायद ये वही कमरा है जहाँ एना के पिता ने उनके पूरे परिवार को मार दिया था। फिर अचानक एक ज़ॉम्बी ने छत से जंजीर फेंककर होल्डन को जकड़ लिया, लेकिन एना ने उसे वापस खींच लिया। फिर उसने एक चाकू से मारकर उस ज़ॉम्बी को काफी घायल कर दिया। ये देखकर गैरी ने लैब से एक बटन दबाया, जिससे डेना के चाकू में बिजली दौड़ने लगी और उसने वो चाकू फेंक दिया। चीटिंग कर रहे हैं ये। अचानक एक और दरवाजा खुला और कर्ट ने आकर कहा कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वहां से भागकर वो अपनी वैन में बैठ गए, लेकिन वैन पर खूनी हाथ के निशान पर उनकी नजर नहीं पड़ी। उधर जापान में लड़कियों ने चुड़ैल को अपने वश में करके मेंढक में बदल दिया था। इसका मतलब ये था कि अब मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ अमेरिका की टीम ही बाकी थी। फिर लैब में गैरी ने देखा कि उनकी वैन सुरंग तक पहुंचने ही वाली है। वो भागकर दूसरे कमरे में गया और देखा कि सुरंग के सिस्टम की तार टूट चुकी थी। जैसे ही वैन सुरंग में घुसी, गैरी ने तार जोड़कर सुरंग में धमाका कर दिया। ऐसे में कर्ट को तुरंत वैन को वापस मोड़ना पड़ा। अब सुरंग बंद होने के बाद उनके पास सिर्फ खाई का रास्ता बचा था, लेकिन रस्सियां ना होने की वजह से कर्ट ने अपनी बाइक से खाई पार करके पुलिस को बुलाकर लाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो कूदा, वो उस अदृश्य दीवार से टकरा गया और बुरी तरह जलकर खाई में गिर पड़ा। लैब में फिर से कर्ट के खून से रेत की एक और तस्वीर भरी गई। अब होल्डन और डेना वैन में फिर से कैबिन की ओर जाने लगे। होल्डन को यकीन था कि कैबिन के उस पार कोई रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने चाकू से वार करके उसे मार डाला। दरअसल वैन में पहले से ही एक ज़ॉम्बी मौजूद था, जिसे देखकर डेना चिल्ला उठी। वैन भी अब सड़क से हटकर तालाब में गिर गई थी। ज़ॉम्बी ने डेना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डेना तुरंत तैरकर दूर निकल गई। जैसे ही वो किनारे पर पहुंची तो एक और ज़ॉम्बी उसके खून का प्यासा खड़ा था। उधर लैब में सब जश्न मना रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें फोन आया और पता चला कि जिन लोगों की बलि दी गई है उनमें से एक अभी भी जिंदा है। वहीं किनारे पर ज़ॉम्बी डेना को मारने ही वाला था कि अचानक मार्टी ने आकर उसे बचा लिया। वो दोनों ज़ॉम्बी को तालाब में गिराकर भाग निकले। असल में जो ज़ॉम्बी मार्टी को मारने आया था, मार्टी ने कुल्हाड़ी से उसकी गेम बिठा दी और जिंदा बच गया। फिर वो डेना को एक कब्र में ले आया, जो अंदर से बिल्कुल एक बक्से जैसी थी। मार्टी ने एक बटन दबाया, जिससे जमीन का दरवाजा खुला और वो दोनों एक लिफ्ट में आ गए। जब लिफ्ट रुकी तो एक खूंखार भेड़िया उन पर झपट पड़ा। फिर वो लिफ्ट फिर से चल पड़ी और जहाँ जहाँ लिफ्ट रुकती, उनका सामना अजीबोगरीब दरिंदों से होता। डेना को एहसास हुआ कि ये वही दरिंदे हैं जो उन्होंने खुफिया कमरे में देखे थे, यानी कि उन्होंने डायरी को उठाकर खुद ज़ॉम्बीज के हाथों अपनी मौत चुनी थी। वहाँ हजारों दरिंदे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उधर लैब वालों को पता चला कि मार्टी कोई खास तरह की घास फूस फूंक रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर उनके केमिकल्स का असर नहीं हुआ। फिर अचानक लिफ्ट रुकी और एक आदमी डेना को ले जाने लगा, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने नीचे से उसका पैर पकड़ लिया और डेना और मार्टी ने उसकी बंदूक छीन ली। फिर वो दोनों एक हॉल में पहुंचे, जहां एक औरत की आवाज उनसे कह रही थी कि वो दोनों एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं। तभी पूरी फौज उन पर हमला करने आ पहुंची और वो दोनों एक कंट्रोल रूम में छिप गए। फिर डेना ने एक लाल बटन दबा दिया, जिससे सारे दरिंदे अपने पिंजरों से आजाद हो गए और हर तरफ हड़कंप मच गया। इन दरिंदों ने फौजियों से लेकर साइंटिस्ट तक हर किसी को नोच कर खाना शुरू कर दिया। अचानक लाइट चली गई और मार्टी और डेना के कमरे में एक खतरनाक चमगादड़ आ गया। फिर वो बंदूक से गोली चलाकर किसी तरह भाग निकले
निकले और एक दीवार में बने छेद में घुस गए जो एक खुफिया सुरंग थी। उधर कंट्रोल रूम में गैरी और स्टीव पर भी दरिंदों के हमले हो रहे थे। स्टीव को एक राक्षस ने बुरी तरह मार डाला, लेकिन गैरी किसी तरह इमरजेंसी दरवाजा खोलकर खुफिया सुरंग तक पहुंच गया। वहां वो गलती से डेना के चाकू से टकरा गया, लेकिन मरने से पहले उसने डेना को मार्टी को मारने को कहा। इसके बाद मार्टी ने डेना को अपनी बंदूक दी और दोनों एक हॉल में पहुंचे जहां रेत की 5 तस्वीरें थी जिनमें से 4 खून से भरी पड़ी थी। डेना समझ गई कि ये चारों उनके दोस्तों के खून से भरी हैं और अब उनकी भी बलि दी जाएगी। तभी एक औरत उनके सामने आई जो असल में इस मिशन की डायरेक्टर थी। उसने बताया कि उन्हें हर साल बुराई के देवता को 5 लोगों की बलि देनी पड़ती है। ये जीव धरती के बहुत नीचे रहते हैं और अगर बलि नहीं दी गई तो ये जाग जाएंगे और पूरी धरती को तबाह कर देंगे। अब सूरज उगने में सिर्फ 8 मिनट बचे थे, इसीलिए धरती को बचाने के लिए मार्टी को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। मार्टी अब भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन डेना डायरेक्टर की बातों में आ गई और उसने मार्टी पर बंदूक तान दी। उसी पल डेना के पीछे एक भेड़िया आ गया, लेकिन उसे बचाने की बजाय मार्टी ने उससे माफी मांगी। जैसे ही भेड़िये ने डेना पर वार किया तो उसकी बंदूक गिर गई और मार्टी और डायरेक्टर दोनों बंदूक पर झपट पड़े। मार्टी ने बंदूक छीन कर भेड़िये पर गोली चलाई और उसे भगा दिया। अब मार्टी और डायरेक्टर के बीच फिर से हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक ज़ॉम्बी वहां आ गया। डेना ने उसे देखकर मार्टी को सावधान कर दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी कुल्हाड़ी मारने लगा तो डेना ने डायरेक्टर को आगे कर दिया, जिससे डायरेक्टर मारी गई और वो बच गया। आखिरकार उसने डायरेक्टर और ज़ॉम्बी को जमीन से नीचे गिरा दिया। क्योंकि डायरेक्टर और ज़ॉम्बी की बलि मिशन का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए जमीन जोर जोर से हिलने लगी। अब वो बुराई का देवता धरती को तबाह करने के लिए आने वाला था। आखिरकार मार्टी और डेना अपने अंत के लिए तैयार हो गए और दोनों ने साथ बैठकर सिगरेट पी। अचानक जमीन फाड़कर एक बहुत बड़ा हाथ निकला, जिससे पूरी लैब और कैबिन तबाह हो गए और कुछ ऐसा ही हाल होगा पूरी धरती का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।